हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट्स। हम लोग को गोल्ड के बारे में दो प्रॉपर्टी बताना है जो कि मोस्ट सुटेबल हो, क्योंकि इससे ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है। ऑर्नामेंट्स क्यों बनाया जाता है मेटल का, तो ये बात तो आपको पहले से पता है कि मेटल लस्टरस होता है, इसलिए उसका ऑर्नामेंट बनाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लस्टरस प्रॉपर्टी जो है मेटल में गोल्ड के पास है, तो इसलिए इसका ऑर्नामेंट में यूज किया जाता है। गोल्ड एंड प्लैटिनम ये लस्टरस मेटल है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर अगर वन का ए लिख पाए, गोल्ड इज लस्टरस इन नेचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। एंड सेकंड प्रॉपर्टी, गोल्ड इज वेरी लेस रिएक्टिव, ये बहुत कम ही रिएक्टिव है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं करता और इसका चमक जो होता है वो कम नहीं होता है। सो इट डज नॉट रिएक्ट विथ वॉटर एयर इट इज, तो ये रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका ऑर्नामेंट बनाया जाएगा। अगर सपोज कर लो Fe का अगर ऑर्नामेंट बनाया जाए या वाटर और एयर के प्रेजेंस में, इसमें रस्ट लग जाता है, ओके, तो वो रस्ट लग जाएगा उसके ऑर्नामेंट्स में, तो इसीलिए ये सबका यूज नहीं किया जाता, जबकि गोल्ड का यूज किया जाता है। गोल्ड में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं और बहुत लंबे समय तक ये इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसी वजह से गोल्ड का ये दो प्रॉपर्टी की वजह से ही इसको ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, नेम टू मेटल्स विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दो ऐसे मेटल का नाम बताना है जो कि बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। तो सबसे बढ़िया हीट का कंडक्टर जो होता है सिल्वर, सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर एंड कॉपर, कॉपर एंड सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है नेम टू मेटल विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम, अगर आप किसी मेटल को अपने पाम पे लेते हो तो वो मेल्ट कर जाए, ऐसा कौन सा मेटल है? तो मेरे ख्याल से गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम मेल्ट व्हेन वी कीप ऑन आवर पाम, कीप देम ऑन आवर पाम, ये दोनों हम लोग के पाम पे आएंगे तो वो मेल्ट कर जाते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO विथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर 20 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर दिया है 20 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 8, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखा जाए तो इसका होगा 2, 8, 8 एंड 2, एंड ऑक्सीजन का जो होगा वो हो जाएगा 2 एंड 6, और हम लोग को सेटिस्फाई करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से इसको दिखाना है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ये कैल्शियम कैसे बनता है, ये सपोज कर लो कैल्शियम है, कैल्शियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, थर्ड सेल में भी कुछ 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी कुछ ऐसे दिखेंगे
एट एंड लास्ट सेल जो है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ में और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ में शो करेगा, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन को सेल शो करेगा और सेकेंड सेल में जो शो होगा वो हम लोग का 6 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो ये कैल्शियम जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये मूव करके जब यहाँ पे आ जाता है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ में होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करके आ रहा है और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे आ रहा है, ये कह रहा है आपस में ये कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये 6 से कितना इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, 6 से ये 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट सेल में अगर दिखाएं तो वो ऐसे दिखेगा, ये कैल्शियम के दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, इस तरह से ये क्या करेगा, ये CaO बनाएगा। ओके, तो इसी को हम लोग डॉट स्ट्रक्चर से ऐसे दिखा सकते हैं या फिर आप ऐसा ही फिगर बना के दिखा सकते हो, ये CaO है जिसकी वजह से Ca जो होगा ये Ca2+ बन जाएगा और ये O जो होगा ये O2- हो जाएगा, जो कि कंप्लीट होके CaO बनता है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, दैट्स ऑल, थैंक यू।